वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको बताएंगे एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी के बारे में जो बिहार ने अभी हाल ही में कल ही लॉन्च किया है। 27 सितंबर को लॉन्च किया है उन्होंने। देखिए, इस वैकेंसी में जिन लोगों की हाइट ना हो, मेडिकल से प्रॉब्लम हो या इंटरव्यू से प्रॉब्लम है, तो वो लोग इस फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो कौन सी फॉर्म है। तो ये चलिए हम आपको बताते हैं, बिहार SSC 10+2 की वैकेंसी आई है। ठीक, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा इसमें और क्या क्या नहीं जरूरत पड़ेगा। तो हम आपको बताते हैं कि देखिए, बिहार SSC 10+2 इसका टोटल वैकेंसी आया है 11,098। इसकी टोटल वैकेंसी 11,098 आई है। ठीक है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस नहीं है, सब हम कवर करेंगे। इसको जितना से हो सके शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि इसके सिलेबस के बारे में क्या है। देखिए, सबसे पहले कोई भी हाइट की जरूरत नहीं है। आप कितने भी हाइट पे हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करिए अच्छे से। आपको हम सारा डिटेल में बताएंगे। किसी भी फिजिकल की जरूरत नहीं है, कोई भी मेडिकल की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्री का सिलेबस क्या है हम बताते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे इसमें 600 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के होंगे। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट। आपको टाइम इसमें मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट। क्या क्या सिलेबस रहेगा देखिए, जीएस में 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। साइंस में आपके 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। मैथ में आपके 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। यानी टोटल 150 क्वेश्चन और 600 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन होगा, आंसर होगा। 600 क्वेश्चन 600 मार्क्स आपको लाना होगा इसमें 150 क्वेश्चन में। आपको समय मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट। बिहार सचिवालय सहायक कर्मचारी का ये फॉर्म आया है 10+2 का। ये सबसे बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए कि आप इस वैकेंसी को ज्यादा से ज्यादा गेन करें और इस वैकेंसी में अपने आपको बेरोजगारी से टैग हटाइए। ठीक है, इसमें सबसे एक और बात है कि निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग कितना है कि अगर आप 4 गलत करिएगा तो आपका एक नंबर चला जाएगा। दैट मीन 1 मार्क्स आपका निगेटिव हो जाएगा। 4 गलती पर एक आपका सही मार्क्स चला जाएगा, यानी 1/4 मार्क्स है। ठीक है, ये था प्री का सिलेबस। और देखिए, प्री को क्वालिफाई करने के बाद मेंस आपको देना पड़ेगा। टोटल सिलेक्शन देखिए कितना लेगा, जितना वैकेंसी है उसका 5 टाइम सिलेक्शन लेगा। यानी अप्रोक्स 55,000 के लगभग, 55,000 56,000 के आसपास आपका वैकेंसी, जो लोग मेंस में बैठेंगे, जो प्री प्री क्वालिफाई करेंगे वो लोग मेंस में जाएंगे। कितने लोग? लगभग 55,000 लोग। ठीक है, मेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे। अब हम मेंस सिलेबस के बारे में बताते हैं कि मेंस सिलेबस में क्या क्या है। तो देखिए, मेंस सिलेबस में कितने लोग रहेंगे? 5 गुना लोग रहेंगे। ठीक है, देखिए इसमें 2 पेपर का एग्जाम होगा। मेंस में 2 पेपर का, पहला तो प्री क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस में इंटर करिएगा। और मेंस अभी आपका, जब तक आप पहला पेपर को क्वालिफाई नहीं करिएगा, आप दूसरा पेपर का मार्क्स नहीं ऐड होगा। दूसरा पेपर का क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा, दूसरा पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। देखिए क्या है, तो हिंदी है। ठीक है, हिंदी 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 400 मार्क्स का। टाइम आपको 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। ये केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का, मतलब बस आपको क्वालिफाई करना है। कितना मार्क्स चाहिए इसमें? तो 30% क्वालिफाइंग करने के लिए चाहिए, यानी कि 120 मार्क्स चाहिए केवल हिंदी के पेपर फर्स्ट में, जिससे आप क्वालिफाई कर जाइएगा। और क्वालिफाई करने के बाद तब आपका पेपर 2 चेक होगा। जब आप पेपर 2 का एग्जाम एक ही दिन हो जाएगा दोनों एग्जाम, या फिर अल्टरनेट में होगा। ठीक है, देखिए इसमें भी कोर्स सेम है, प्री के जैसा ही सेम कोर्स है। कोई भी कोर्स चेंज नहीं है, कोई भी सिलेबस चेंज नहीं है, सारा पैटर्न सेम है। जीएस का वही 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। मैथ में 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। साइंस में 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। सेम एज प्री की तरह होगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल इसमें पूछा जाएगा। इसमें भी आपको 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब चलिए इसका, अब इसके सोर्स क्या क्या है, किस बुक से हम तैयारी करें ताकि हमारा BSSC 10+2 क्लियर हो जाए और इस साल हम बेरोजगारी का टैग अपने अपने ऊपर से हटा ले। तो चलिए हम बताते हैं इसमें क्या क्या है। 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जीएस, मैथ, साइंस, रीजनिंग। ठीक है, तो जीएस को आपको कवर करना होगा लूसेंट से। लूसेंट को पूरी तरीके से रट जाइए, चाहे जैसे रटे उसको रट्टा मार लिए, चाट जाइए बुक को, जिस तरीके से आपको रटना है रट लीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। दो ही बुक पढ़िए, या फिर लूसेंट को कवर लीजिए या क्राउन को उठाइए। दोनों बुक से आपको कहीं से जीके इससे बाहर नहीं आएगा BSSC 10+2 के लिए। फिर उसके बाद दूसरा मैथ। मैथ के लिए कौन सा सोर्स है? तो मैथ के लिए आदित्य नारायण सर बेस्ट हैं, जो अभी SSC सीजल के लिए प्रिपेयर करवाते हैं SSC के लिए। तो हम कहेंगे कि मैथ आदित्य नारायण सर का वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में है, तो
आप दे सकते हैं, नहीं तो आप अल्टरनेटिव कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, जैसे एस डी यादव आ गया, एस डी यादव का बुक हो गया, आर के सिंह का बुक हो गया, ठीक, ये सारे बुक को आप कवर कर सकते हैं। साइंस में भी वही सेम चीज, आपको लूसेंट और ग्राउंड को रट जाना है अच्छे तरीके से। करंट अफेयर्स के लिए हमारा जो लेक्चर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है, इस पर डेली करंट अफेयर सीरीज होता है, और इसको आप देखिए जरूर, इससे सारा क्वेश्चन रट जाएगा। एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन में क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपको करंट अफेयर्स के लिए डरना ही नहीं है, ठीक है। अगर ज्यादा लगे आपको तो आप स्पीडी को भी यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और एडुटेरिया को, रीजनिंग के लिए, रीजनिंग जो कवर करना होगा तो आप आर के झा से कवर कर सकते हैं, और बिहार स्पेशल जीके जो आएगा, बिहार स्पेशल जीके आप एडुटेरिया से कवर कर सकते हैं, बिहार स्पेशल जीके आप एडुटेरिया से कवर कर सकते हैं। यानी टोटल जो मेरा जीके का पार्ट है, जीके में 50 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, इसी में आपका रहेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। रीजनिंग 50 मार्क्स का होगा, 200 नंबर का, 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ प्लस साइंस मिलकर 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैथ 25 और साइंस भी 25 मार्क्स का हो, 25 क्वेश्चन के होंगे, टोटल 200 मार्क्स के होंगे, ओके। तो ये था गाइज, आप इसे क्या करिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोग इसके बारे में जान सके, और इस अभी से ही लग जाइए, क्योंकि 27 तारीख को फॉर्म रिलीज हो चुका है, लगभग 1.5 महीना इसके फॉर्म फिलअप में लगेगा, और अभी से आप लग जाइए, और बिहार सचिवालय सहायक कर्मचारी का पोस्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए एग्जाम, ताकि आपके ऊपर से बेरोजगारी का टैग हट जाए। थैंक यू सो मच गाइज, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।